गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोबारा स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग में जिसका नाम है राशिफ के ब्लॉग्स। तो आज हमने कर लिया दोबारा से वर्कआउट फिनिश, और इसको फिनिश करने के बाद जो फील आती है ना वो किसी और चीज़ के बाद नहीं आती। ठीक है, आज था एफ वर्कआउट। इस बॉल को भी यूज़ किया है, ये भी यूज़ किया है, और ये कमिंग सून चल ही रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो बहुत मतलब इन्हें बढ़ाना आसान है, इस फैट को बढ़ाना आसान है, लेकिन इसे घटाना, क्योंकि इतनी लड़ाई चलती है ना यहाँ पर, मतलब कि सारा ये छोड़ना वो छोड़ना, क्या छोड़ना है, कम खाना नहीं खाना, क्या खाना नहीं खाना है, ये करना नहीं करना है, बहुत लड़ाई चलती है, बहुत मतलब कंट्रोल नहीं चेक पे। तो चलो अभी वर्कआउट कम्प्लीट कर लिया, अब जा रहे नहाने, और मौसम रखा है एक नंबर का ढेन चेक। तो मौसम रखा है एक नंबर का ढेन चेक, और भाई साहब छीसी पड़ रही है, कहीं कहीं बहुत बारिश हो रही है, हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं हो रही, कल से छीसी पड़ रही है और ठंड पड़ गई है थोड़ी सी, इसलिए पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। रात में कूलर भी नहीं चलाया, और रात भर यार रश्मि को नींद नहीं आई सही से, तो इस टाइम वो सो रही है अभी, क्योंकि बेबी मतलब अब उसका टाइम जैसे नज़दीक आ रहा ना, परेशानी पड़ती आ रही है, मतलब उसको दर्द ज़्यादा हो रहा है और रह रहे के हो रहा है, तो बेचारी को नींद लेना मुश्किल आता है। तो इस टाइम उसे अभी नींद आ रही है अच्छे से, हो सकता है बाबू भी सो रहा है इसलिए वो सो पा रही है, नहीं तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है इस टाइम पर। तो चलो अब चलते हैं नहाने, और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, चलेंगे मार्केट, बस बारिश ना हो, अच्छी खासी वाली सिंपल हो, चल जाएगा जैसे कल हुई थी। और कल की सेल देख के लग रहा है कि चलो थोड़ा सा और आज भी सेल हो जाए तो कल मार्केट चले जाएंगे सामान लाने कुछ नया। मिलते थोड़ी देर में। तो भाई लोग खाना पीना हो गया है, लेकिन मौसम नहीं रुक रहा है, अभी हल्की हल्की जैसे चले जा रही है, चले जा रही है। सुनने में यूपी बिहार में, शायद यूपी में बहुत बारिश हो रही है इस टाइम पे, जो इस टाइम नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम हो रही है। खैर सर्दी आने का समय है, होगी, बट अगर ऐसी बारिश होती रही ना तो आज अपना मार्केट जाना मुश्किल हो जाएगा। इस बारिश में तो नहीं कर पाएंगे दुकानदारी, कल वाली जो बारिश थी उसमें हो जाती। तो कभी कभी आपकी ज़िंदगी गुलाटियाँ मार जाती हैं, उल्टियाँ मार जाती हैं, तो मेरे साथ यही होता है, क्योंकि जाना था बाज़ार, मौसम भी इतना ख़राब नहीं है, लेकिन बना रहा हूँ चाय। क्यों, ज़िंदगी है भैया, गुलाटियाँ मारनी पड़ती हैं, जिम्मेदारी कोई और हो। तो हमारी घर वाली ने कहा कि भैया हमारी हो सकती है तो मत जाओ, ये है वो है फलाना, कल भी बोला था, लेकिन कल मैं कमा के आया था अच्छा खासा, आज नहीं जा पा रहा हूँ, बस वही रीज़न है, वही रीज़न है, मैं रीज़न हूँ, मेरे भी अंदर से थोड़ा दिमाग खेल गया जब उसने बोला था। चलो इसके लिए चाय पीते हैं अभी, और इसके बाद देखते हैं आप क्या प्लान है, कहीं बाहर जाएंगे या फिर कुछ घर पर काम करेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं अनोखी चाय, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पाउडर होता ही है, इसको कहते हैं पीने में ठीक ठाक है ये चाय भी, मतलब इसमें सबसे टिपटिप में नहीं होता, फालतू रिटम में नहीं है, सिर्फ आपको पानी डालना है और ये पाउडर डाल देना है, गुड फॉर हार्ट लीवर एंड किडनी। ज़िंदगी में एक इंसान है जो पूरा का पूरा टोपा ही है, यार टोपा इंसान है, मैंने तो कुछ तुमको बोला ही नहीं, कितना सीधा है ना, कितना सीधा इंसान है, देख लो शक्ल देख लो इसकी, कितना सीधा इंसान है, देखा तुम्हें यही शक्ल है, टोपा हो तुम टोपा, मैं कह रहा था इस टाइम मेरी बोनी हो जाती है, फिर जाके लगा लो, हमने कौन सा मना करा, सही बात है, तुमने कौन सा मना करा, जब से आया ना इसका यूज़ भी नहीं कर रही है, पहले बोले मंगा दो, अभी आया जब से, अगर इसको वही सोने की चैन दिलाता ना तो इसे खुशी हो जाती, लेकिन इससे खुशी नहीं हो रही है, मैं तो बहुत खुशी है, तो करती क्यों नहीं फिर, कहाँ करती है अभी, कर रही है तो वीडियो में दिखाने के लिए कर रही हो, तो दो से तीन बार खैर इससे सभी को फ़ायदा हो रहा है, ये भी कर रही है, मम्मी भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तीन जने तो कर ही रहे हैं इससे काम, वर्कआउट थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं, तीनों को फायदा दे रहा है ये। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ा बाहर, ये कह रही है बाहर जाने के लिए, तो बाहर चलते हैं, मैं हाँ क्यों झूठ बोल रहा है, तू ही तो कह रही है, चलते घूम के आते हैं। चूल्हा चला दे, तो भैया इसकी बात सच हो गई, अंधेरे में दिख बुझी बुझी, और हम दोनों यहाँ पर फंसे पड़े हैं अंधेरे में, मतलब आए थे कुछ काम करवाने, बारिश हो गई, और ये देखो बारिश में यहाँ पर छुपे पड़े हैं, ये देखो ये टोपा लगा के टोपा इंसान पेड़ के नीचे उठ लेके खड़ा है, बाइक वो खड़ी है दूर हमारी, और हम बारिश के मज़े ले रहे हैं, वो लगा रहा भैया वो त्रिपाल लगा रहा, उसी के नीचे चलते हैं, वहीं खाएंगे, वो लगा रहा गोवर्धन त्रिपाल लगा रहा, वहीं चलते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं खड़े भी रहेंगे जितनी देर बारिश होगी, लगा लेंगे, पहले लगा लेगा ना उसका चलेंगे फिर। तो हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका एक नए छोटे से ब्लॉग में, आज का दिन है शनिवार, और हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अपने ससुराल, और वो भी कार में जा रहे हैं,
तुम्हारा जब मुन्ना है नन्ना मुन्ना पीछे लेटा हुआ है और हम चला रहे हैं गाड़ी। तो भैया आज आ रहे हैं हम अपने नए भतीजे की छठी में, आज है छठी, अभी तक वो नहीं आया हम लोग लेकिन जा रहे हैं। सीन बड़ा चल रहा है, भैया बीच में अपना काम निपटाने के लिए भी आ गए हैं शास्त्री नगर मार्केट में, सामान ले लें जरा, तो एक साथ में दो काम हो जाएंगे, एक बंद दो काज हो जाएगा। अब यहाँ पर चल रही है पूजा और मेरे को चाहिए ज़्यादा सामान नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत ही सामान चाहिए तो वो लेके निकलते हैं जल्दी। तो यहाँ भंडारे का चल रहा है, भंडारे की तैयारी चल रही है। और भैया बाजारों में रौनक तो बड़ी जबरदस्त लौटी है, बहुत ज़बरदस्त रौनक लौटी है। तो भैया हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल और एक शिकायत हो रही है दुकानदारों से, जो कि थोक वाले ना यार, जैसे मतलब आप गर्मियों में डील करते हैं ना वैसे ही डील इस टाइम क्यों नहीं करते, क्योंकि इस टाइम ना मैंने देखा सबके भाव बढ़े हुए हैं, सबके नहीं, मैंने तो जिस दुकानदार से मैं मेन लेता हूँ उसके ज़्यादा भाव बढ़ गए इस टाइम पर। मतलब हर बार गर्मियों में आता बिना पूछे उनको ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मतलब वो कहते हैं ऑनलाइन हमेशा मिलेगा जी, कितना भी करना ऑनलाइन कर दो, बट अब कभी रखते हैं कभी नहीं रखते। पिछली बार आया था तो ऑनलाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार सामान ले लिया, कहाँ गया सामान, आधा सामान यहाँ रखा ही है, तो ज़्यादा सामान ले लिया मैंने थोड़ा सा कि मैं थोड़ा ऑनलाइन कर दूँगा काम बन जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब कह रहे हैं आज ऑनलाइन नहीं है। अरे यार ठीक है, मेरी गलती ये थी कि भैया मैंने पहले पूछा नहीं, ये अच्छी भाई सही बात मेरी गलती है, बट यार आपको पता है कि बंदे हमेशा आते हैं लेने, तो एक ऑनलाइन ऑप्शन रखना चाहिए। पूरी दुनिया ऑनलाइन कर रही है, डिजिटल होती जा रही है, हम लोग भी पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं ज़्यादातर, मतलब आधी ऑनलाइन आती, मतलब अगर अगर 70 रुपये ऑफलाइन आए तो 30 रुपये ऑनलाइन आते आते हैं, तो ऐसा तो इनको भी लेके चलना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, ये इनकी कमाई का टाइम है ना, तो भाव पूरे बढ़ेंगे अभी कम से कम 3-4 महीने तक। और दूसरा ये है कि भैया हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, सर्दी आ रही है ना तो हर जुराब का रेट जो है वो बढ़ रहा है। अब देखो मैं कैसे कमाता हूँ, मेरे कैसे रेट बढ़ाता हूँ या नहीं बढ़ाता, अभी कुछ पक्का नहीं है मेरा। चलो चलते हैं अपन, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन आया, कोई वैसे आया नहीं अभी मुझे लगता है, जो मेन मेहमान हैं वो भी नहीं आए होंगे, हम ही लोग पहुँचे हैं और हम ही लोग थोड़ी तैयारी वारी करेंगे, खाएंगे पियेंगे फिर सो जाएंगे फिर वापस ले जाएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी है ऐसे कीचड़ में खड़ी करनी पड़ती है, ऐसा कीचड़ बारिश की वजह से हुआ नहीं तो नहीं होता यहाँ कीचड़, लेकिन क्या करें जगह यहीं बसती है तो यहीं खड़ी करी है। तो हम खाएंगे आज ब्रेड में पूरी, तो भैया आ गए हैं घर पे छठी मना के। अब छठी का मतलब क्या होता है ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पता होगा, नहीं पता तो बताया तो जो बच्चा पैदा होता है ना किसी के यहाँ तो 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है, जो कि हर किसी के यहाँ नहीं होता, चाहे हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन रश्मि के यहाँ पर होता है। तो रश्मि आज एज ए बुआ गई थी उसकी छठी करने, मतलब उसको नया कपड़ा पहनाती है आज के दिन और एक धागा बांधती है। तो खैर वहाँ की वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी, थोड़ी बहुत करी और देखी होगी आपने, और पूरा दिन आज वहीं निकल गया। तो मार्केट आज भी मार्केट का जो है ऑफ हो गया, मतलब आज के भी जो पैसे आने थे वो भी गए, सामान खरीद लिया थोड़ा बहुत क्योंकि मंडे तो मार्केट लगानी लगानी है, और थोड़ा सा खाना लिया हूँ रात के लिए क्योंकि रात में अभी यहाँ आज खाना है नहीं, वहाँ थोड़ा शाम को खाया था तो रास्ते से ले लिया ताकि थोड़ा रात में ही खाना खा सके। अब शनिवार है, रात है तो आराम से थोड़ा सा वीडियो वीडियो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, देन फिर संडे कल अब देखते हैं कल क्या करना है कल क्या नहीं। छुट्टी तो है कल अपनी काम की, लेकिन दूसरे काम तो निपटाने पड़ेंगे, ब्लॉग वगैरह जो है एडिट करने पड़ेंगे। तो चलो यार एक चीज़ बस यही है कि बाबू को देख के ये लग रहा है कि भैया बहुत कमज़ोर है, और ये है कि हाँ ठीक ठाक सब कुछ हो गया है तो रिकवर कर जाएगा जल्दी, और ये देख के मुझे अपनी चिंता हो रही है कि भाई हमारे बाबू अब कितना कमज़ोर हो सकता है या नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका वेट लमसम उसके आसपास में है जितना वो पैदा हुआ है, 2400 ग्राम ये हुआ है और लमसम यही जो वेट है हमारे बाबू का अभी होगा, मुझे इतनी उम्मीद है, उससे कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो कुछ पता नहीं। तो खैर अब वहाँ से वापस आ गए हैं ससुराल से, तब रात में सोते हैं और कल मिलते हैं, ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, ज़्यादा कुछ था नहीं मुझे पता है। तो बस अब मिलते हैं किसी बढ़िया ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है, और अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आ ही गई होगी, वीडियो नहीं तो मैं एडिट करने जा रहा हूँ तो वो आज या कल में आ जाएगी, मतलब अब आ चुकी होगी, इस वीडियो से पहले आ चुकी होगी, जरूर जाके चैनल पे देख लेना।
चलो जी मिलते हैं फिर, बाय, शुभ खैर।